बॉलीवुड की एक दिल्ली बेस्ड एक्ट्रेस जो ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जाम्पल मानी जाती हैं। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो दिल्ली पब्लिक स्कूल से पास आउट हैं, जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिनकी मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और बावजूद इसके उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर चुना, ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कि आम लोगों के लिए एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी इन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को अपने लिए चुना। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक तेलुगु फिल्म से करी, लेकिन उसके बाद जब बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा तो सीधे धमाकेदार एंट्री ली टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म हीरोपंती से। जी हाँ, बॉलीवुड बुलशिट के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के बारे में। कृति सेनन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप इस एपिसोड में देखेंगे, जानेंगे तो ज़रूर आपको ये लगेगा कि हमें तो ये पता ही नहीं था। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात होगी कृति सेनन के बारे में। बॉलीवुड की लेटेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक जिनका नाम आजकल बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहता है और जो अक्सर अपनी आने वाली फिल्मों की वजह से लोगों की गॉसिप्स और अट्रैक्शन का कारण बनती हैं, वो हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन। टाइगर श्रॉफ के साथ एक नई सनसनी की तरह आई कृति सेनन ने आते ही बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक दमदार पहचान दर्ज करवाई। फिल्म हीरोपंती की ये एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत भी हैं और बेहद टैलेंटेड भी। दिल्ली की ये लड़की जब मुंबई पहुंची तो इन्होंने मुंबई के चकाचौंध के बीच अपने आप को भी एक चमकते हुए सितारे के रूप में दर्ज करवाया। टाइगर श्रॉफ के साथ अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म करने के बावजूद इन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि फिल्म हीरोपंती पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के लिए बनाई गई फिल्म थी। सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं, और इसी वजह से इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट सिर्फ टाइगर श्रॉफ के हिस्से ही आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृति सेनन इस फिल्म में बिल्कुल ही नजरअंदाज हुई। टाइगर श्रॉफ की दमदार छवि होने के बावजूद भी कृति सेनन लोगों का आकर्षण खींच पाई। कृति सेनन एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन का एक सुंदर एग्जाम्पल कृति सेनन है, क्योंकि कृति ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग को करियर के रूप में चुना। कृति का जन्म दिल्ली में 27 जुलाई 1990 को हुआ। इनके पिता राहुल सेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माँ गीता सेनन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कृति सेनन के परिवार में उनकी एक छोटी बहन नूपुर सेनन है और उनकी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है। वैसे तो कृति सेनन का एक्टिंग करियर साल 2014 में एक तेलुगु फिल्म से शुरू हुआ, जो कि एक साइको थ्रिलर थी। इस फिल्म में उन्होंने समीरा का किरदार निभाया। फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म में कृति सेनन को उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए काफी अप्रिशिएट किया। हालांकि ये फिल्म भी हीरो बेस्ड फिल्म थी और कृति के लिए इस फिल्म में करने के लिए कुछ खास ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कृति सेनन अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर पाने में सफल रहीं। इस फिल्म के साथ ही उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए। उन्होंने क्लोजअप, विवेल, अमूल, सैमसंग और हिमालय के टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स किए। साल 2010 में उन्होंने मुंबई में ऑर्गेनाइज हुए विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में एज अ मॉडल हिस्सा लिया। साल 2012 में उन्हें चेन्नई इंटरनेशनल फैशन वीक और इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में भी एज अ मॉडल कैटवॉक करने का मौका मिला। कृति सेनन को रितु बेरी, सुनीत वर्मा और निकी महाजन जैसे डिजाइनर्स की मॉडल बनने का मौका मिल चुका है। बॉलीवुड में कृति के करियर की शुरुआत शब्बीर खान की फिल्म हीरोपंती से हुई। ये फिल्म जैकी श्रॉफ की पॉपुलर फिल्म हीरो का रीमेक थी और इस फिल्म का नाम था हीरोपंती, जिसमें हीरो का किरदार निभाया था खुद जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने। इस फिल्म के लिए कृति को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद कृति नजर आई अपनी अगली फिल्म दिलवाले में,
रोहित शेट्टी की इस फिल्म में उन्होंने वरुण धवन के साथ साथ शाहरुख खान और काजोल जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। हीरोपंती की तरह इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन हीरोपंती की ही तरह इस फिल्म का भी पूरा क्रेडिट रोहित शेट्टी और शाहरुख खान के नाम गया। कृति सेनन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कृति को डांस का बहुत शौक है। कृति का मानना है कि डांस उन्हें शांति देता है। इसके अलावा कृति को मेडिटेशन करना और खाना बनाने का शौक है। डेविड ऑफ कूल वाटर इनका पसंदीदा परफ्यूम है। फेवरेट एक्टर की बात की जाए तो कृति सेनन को आमिर खान बेहद पसंद हैं और एक्ट्रेसेस में उनकी आइडल है रेखा और लेटेस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं काजोल। कृति को चाइनीज फूड पसंद है और घूमने के लिए वो गोवा को अपनी सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन मानती हैं। कृति के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो उनके हिस्से में अभी तक वो फिल्में ज्यादा आई हैं जो मल्टी स्टारर रही हैं, यानी कि फिल्म हिट होने के बावजूद भी उसका क्रेडिट उन्हें मल्टी स्टार कास्ट के साथ शेयर करना पड़ा। और जिन फिल्मों के लिए कृति सेनन को प्रॉपर क्रेडिट मिला भी, वो फिल्में कुछ खास अच्छा कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाईं। लिहाजा कृति सेनन को बॉलीवुड में एज ए नंबर वन एक्ट्रेस अपने आप को साबित करने के लिए पूरी कोशिशों में लगी हुई हैं। ये बात और है कि वो खुद अपने आप को नंबर वन की रेस से अलग मानती हैं। अपने इंटरव्यूज में अक्सर वो ये कहती पाई जाती हैं कि वो नंबर वन पर आने की बजाय बेहतरीन फिल्मों में काम करना ज्यादा पसंद करेंगी। कृति कहती हैं कि वो फिलहाल अपने लिए वही फिल्में चुन रही हैं जिनका स्टोरी ट्रीटमेंट कुछ अलग है। वो सिर्फ ग्लैमरस गुड़िया के किरदार नहीं निभाना चाहती हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कृति सेनन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिन्हें आप अभी तक तो नहीं जानते होंगे। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले कृति को दो कंपनियों के जॉब ऑफर मिले थे, लेकिन उन्हें छोड़कर कृति फिल्मों की दुनिया में आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का बॉलीवुड में आना काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक तो इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग इन्होंने करी, और दूसरा इनको बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले दो बेहद अच्छी जॉब्स के ऑफर थे, लेकिन ये इतनी फर्म हो चुकी थी अपने अंदर कि इन्हें बॉलीवुड ही ज्वाइन करना है, इन्होंने उन जॉब ऑफर्स को ठुकरा दिया और बॉलीवुड को ज्वाइन किया। इनके फेवरेट एक्टर हैं आमिर खान और एज एन एक्ट्रेस ये पसंद करती हैं काजोल को। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस यानी कृति सेनन अपनी जिंदगी छोटा सा जो इनका फिल्मी करियर है उसमें इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। एक धमाकेदार एंट्री इन्होंने ज़रूर फिल्म हीरोपंती से की, लेकिन इन्होंने अक्सर उन फिल्मों में काम किया जहां पर ज़्यादा नोटिस या ज़्यादा क्रेडिट जो है वो या तो एक्टर ने ले लिया या फिर वो मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो वहाँ पर इनकी पहचान उतनी चमक कर सामने नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। बहरहाल कृति सेनन ने अपने इस स्ट्रगल को यूं ही कंटिन्यू रखा और अभी भी वो काम करती चली जा रही हैं, और आज की डेट में कृति सेनन एक जाना माना नाम बॉलीवुड के अंदर बन चुकी हैं। अपनी पहली फिल्म हीरोपंती के दौरान वो कुछ मामूली रूप से घायल हो गई थीं, और इस वजह से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी थी। कृति को परियों की कहानियों में विश्वास है और उन्हें रोमांटिक फिल्म्स देखना बहुत पसंद है। खाली समय में कृति कविताएं लिखना बहुत पसंद करती हैं। और आइए अब कृति सेनन के लव अफेयर्स के बारे में आपको बताते हैं। यूं तो कृति सेनन को बॉलीवुड में आए कुछ खास समय नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर पर ही फोकस कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कृति सेनन का नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा। कृति सेनन ने जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राब्ता करी थी, उस समय ये माना जाता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियां आ गई थीं, क्योंकि उसी समय सुशांत सिंह राजपूत का अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप हुआ था। कृति सुशांत से कितनी कनेक्टेड और अटैच्ड थीं, इसका एग्जाम्पल इसी बात से मिलता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है ये खबर बॉलीवुड में फैली, तो कृति ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा मैसेज शेयर किया, जिससे साफ पता चलता है कि सुशांत के जाने के बाद उन्हें कितना दुख था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कृति सेनन एक बार फिर से अपने वर्क फ्रंट पर पूरी तरह से चौकन्नी होकर काम कर रही हैं। अपने अभी तक के छोटे से फिल्मी करियर में कृति सेनन को हीरोपंती के लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल चुका है, तो वहीं बरेली की बर्फी और लुका छिपी जैसी फिल्म
जिसमें कृति को उनकी एक्टिंग के लिए प्रॉपर क्रेडिट मिला, बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस कर पाई। इसके अलावा कृति सेनन ने कलंक और स्त्री जैसी फिल्मों में जो आइटम सॉन्ग्स किए, उन्होंने भी कृति सेनन के फैंस बढ़ाने में काफी मदद की। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें परियों की कहानियां बहुत पसंद है, जिन्हें रोमांटिक फिल्म्स देखना पसंद है, जो खाने पीने की शौकीन है, वो बात और है कि अपने कम वजन को लेकर वो ट्रोल होती हैं, अपनी ज्यादा हाइट को लेकर वो ट्रोल होती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बॉलीवुड में अपनी पारी खेलती चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये था बॉलीवुड बुलशिट का आज का हमारा कृति सेनन पर बेस्ड एपिसोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन प्रेस करके ऑल का बटन दबाएंगे तो आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, एक और नए वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।